मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल से राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य ने हमसे रामचरितमानस की पीडीएफ मांगी थी। और देखिए, रामचरितमानस जो है हर जगह आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने पीडीएफ मांगी थी क्योंकि देखिए पीडीएफ जो होती है उसको पढ़ने में बहुत आसानी होती है। आप कहीं भी अपने मोबाइल में उसे अपने साथ ले जा सकते हैं और कहीं भी यात्रा के दौरान या कहीं भी जो है उसे पढ़ सकते हैं। तो आज हम आपको जो है रामचरितमानस उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन देखिए रामचरितमानस के जो लाभ होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि रामचरितमानस जो है अपने आप में एक बहुत ही दिव्य चीज़ है। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति रामचरितमानस का पाठ करता है तो बहुत सारे लाभ उसको प्राप्त होते हैं। और देखिए रामचरितमानस का पूरा पाठ करना तो देखिए एक दिन में वैसे बहुत ज़्यादा कठिन काम है। आप रामचरितमानस का पूरा पाठ न कर सको तो रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ आपको हमेशा करना चाहिए। अगर आप रोजाना सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो इसके आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते हैं। आपने कई ऐसे किस्से भी सुने होंगे कि भाई सुंदरकांड का पाठ करने वाले व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया लेकिन वो निष्फल हो गया, और जिस व्यक्ति ने उस प्रयोग को किया उसी के ऊपर वो प्रयोग उल्टा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इसके आपको चमत्कार देखने को मिलते हैं। और देखिए जो व्यक्ति सुंदरकांड का रामचरितमानस का रोजाना पाठ करता है वो व्यक्ति जो है सभी प्रकार के तांत्रिक क्रियाकर्मों से सुरक्षित रहता है। उसके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और उसका यश बढ़ता है, समाज में उसके परिवार की इज्जत बढ़ती है और मान सम्मान उसे प्राप्त होता है, और उसकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो धीरे धीरे पूरी होने लग जाती हैं। जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही है सभी परेशानियों का हल आपको धीरे धीरे मिलने लग जाता है। आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, जब आप सुंदरकांड का पाठ करने बैठोगे या फिर रामचरितमानस का पाठ करने बैठोगे तो जब आप पाठ करके उठोगे तब तक आपको उसका हल मिल जाएगा। यही रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है। और देखिए रामचरितमानस ले लीजिए, मद भगवद गीता ले लीजिए, दो चीज़ें ऐसी हैं अगर आपके जीवन में कोई भी संकट आ रहा है, कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप कुछ मत कीजिए, बस भगवान के सामने एक दीपक जलाइए और पूजा करते समय जो है उनका जो रामचरितमानस है, सुंदरकांड है या फिर मद भगवद गीता, इन तीनों में से किसी भी एक का आप पाठ कीजिए। आप जब जाप करके उठोगे तो आपको जो है उस तुरंत उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इसके बहुत सारे चमत्कार हैं। जो भी व्यक्ति इनका पाठ करता है, रामचरितमानस है, सुंदरकांड है, मद भगवद गीता है, इनका पाठ करता है, उस व्यक्ति को समाज में बहुत ही यश की प्राप्ति होती है, समाज में एक बहुत ही उच्च स्थान उसे प्राप्त हो जाता है। और देखिए जो भी व्यक्ति इनका पाठ करता है सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग हो जाता है, उसके गुण निखर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, भाई मुझ में ये बुरी आदतें हैं, ये छूट नहीं पा रही हैं, तो वो लोग जो हैं अगर इसका पाठ रोज़ाना करेंगे, तीनों में से किसी का भी पाठ आप कीजिए, तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में इतने बदलाव आएंगे कि आप खुद देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इतने सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आप जो हैं रामचरितमानस का रोज़ाना पाठ कीजिए, आपको कई चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, जो भी दुख हैं, वो सभी जो हैं कुछ ही समय में जो हैं बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति रामचरितमानस का रोज़ाना पाठ करता है हनुमान जी स्वयं उसके साथ 24 घंटे उसकी रक्षा करते हैं और उसकी हर मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। माता लक्ष्मी भी उसके घर में निवास करती हैं और जो सभी देवी देवता हैं आपके पितर हैं वो भी जो है रामचरितमानस का पाठ करने से संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों के घर में यही दिक्कत होती है कि देवी देवताओं की परेशानियाँ ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो है उनको परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। अगर आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं या फिर मद भगवत गीता का भी पाठ करते हैं और रोज़ाना हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो कोई भी देवी देवता या फिर कोई भी शक्ति जो है आपको परेशान नहीं कर सकती। तो आप लोगों को जो है किसी भी देवी देवता के ऊपर निर्भर होने से अच्छा है कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, रोज़ाना जो है सुंदरकांड का पाठ कीजिए। जिस घर में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है उस घर से दरिद्रता हमेशा के लिए भाग जाती है और उस परिवार का यश अपने आप बढ़ने लगता है। घर में साक्षात माता लक्ष्मी का निवास हो जाता है और अपने आप जो है आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होने लग जाती हैं। आपके बच्चों को अगर किसी भी प्रकार का भय सताता है तो वह भी जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। भूत प्रेत पिशाच आदि तो घर में प्रवेश ही नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ करता है, और आपसे देख के अगर सुंदरकांड का पाठ न हो पाए तो आप रोजाना हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लीजिए और हनुमान जी का एक दिया जरूर जलाया कीजिए अपने घर में, तो कोई भी
तांत्रिक शक्तियाँ होंगी या कोई भी भूत प्रेत ऊपरी बाधा होगी, आपके घर में प्रवेश करने की शक्ति उसमें नहीं होगी, क्योंकि किसी भी शक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जहाँ हनुमान जी की पूजा हो वहाँ पर वो हनुमान जी के भक्तों को परेशान करने के लिए जा सके। तो आप लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और सुंदरकांड का या फिर रामचरितमानस का आपको पाठ जरूर करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप रामचरितमानस का पाठ करोगे तो आपके आसपास के पड़ोसी भी जो हैं वो भी इसका अनुभव महसूस करेंगे, उनको भी जो है आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ही सुंदर और सकारात्मक वातावरण लगना महसूस हो जाएगा। और आप खुद महसूस करोगे कि आपके जो घर का वातावरण है, आपका जो चिड़चिड़ापन रहता था और दिनों में, वो सब नष्ट हो जाएगा। आपका घर का वातावरण बिल्कुल एक खुशनुमा और बहुत ही अच्छा वातावरण आपको देखने को मिलेगा। और देखिए ज्योतिष के अनुसार भी जो है इसका बहुत ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलता है। रामचरितमानस एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, हर व्यक्ति को इसका पाठ करना चाहिए। और देखिए मैं ये चीज़ ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये अनुभव की गई चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे साधकों ने अनुभव किया है और मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो कि अनुभव की हुई हो। जो चीज़ों अनुभव नहीं की गई और जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, वो चीज़ें बताकर मैं आपका समय भी नहीं खराब करना चाहता और आपको जो है भटकाना भी नहीं चाहता। इसीलिए मैं आपको केवल वही चीज़ें बताता हूँ जो कि अनुभव की गई हैं और जिनको करने से आपको सच में फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसका पाठ जरूर कीजिए। अगर अब देखिए कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी समस्या जो है हमारे साथ हो रही है और उसमें हमको जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद की आवश्यकता है। देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ भाई आपको क्या करना है। तो देखिए आपको अपने गूगल में जाना है, जहाँ पर आप सर्च करते हो, चाहे आप क्रोम यूज करो या फिर कोई भी ब्राउज़र आप यूज करते हो, वहाँ पर जाना है और आपको श्री राम परिवार SRP लिखना है। ठीक है, श्री राम परिवार SRP जो है श्री राम परिवार की एक शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई थी, तो श्री राम परिवार और SRP लिखना है। जैसे हमने लिखा है वैसे वैसे आपको लिखना है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। श्रीराम परिवार में बिल्कुल भी गैप नहीं देना है, पूरा का पूरा जो श्रीराम परिवार है बिना गैप के एक साथ लिखना है और फिर गैप देके SRP लिखना है और फिर आपको सर्च करना है। तो शुरुआत में हम आपको जो है हमारा फेसबुक का ग्रुप मिल जाएगा, पेज मिल जाएगा, नीचे जाओगे आप तो फिर आपको यूट्यूब के लिंक मिलेंगे और फिर देखिए आप नीचे जाओगे तो आपको श्रीराम परिवार SRP ब्लॉग हमारा दिख जाएगा और वहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आप हमारे ब्लॉग के ऊपर पहुँच जाओगे। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए आप सभी को हम वीडियो में लिंक उपलब्ध करवाया करते थे पुस्तकों की, तो गूगल ने हमें कुछ दिनों पहले नोटिस भेजा था कि भाई आप जो है जो जितने भी आपका ट्रैफिक आ रहा है वो शेयर करके आ रहा है, क्योंकि हम आपको लिंक उपलब्ध करवा रहे थे और आप सभी लोग जो है यहाँ से ही वहाँ पर जाते हो। तो गूगल ने कहा कि भाई आप इस तरीके से यहाँ पर लोगों को नहीं ला सकते, अगर इस तरीके से आप लोगों को लाओगे तो हम आपका ब्लॉग जो है जल्दी बंद कर देंगे। तो अगर ये परेशानी हुई तो मैं आपको पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवा पाऊँगा, इसलिए मुझे आपकी मदद की यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप लोग क्या कीजिए, मैंने जैसे आपको बताया कि भाई आप इस तरीके से ब्राउज़र में जाकर सर्च कीजिए, जब आप सर्च करोगे तो आपको हमारा ब्लॉग मिल जाएगा और जो हमने रामचरितमानस पुस्तक आपको उपलब्ध करवाइए, तो जैसे आप ब्लॉग के पेज पर पहुँचोगे तो जो पहली पोस्ट होगी, सबसे ऊपर जो पोस्ट होगी वो वही पोस्ट होगी जो हमने आपको अभी अभी उपलब्ध करवाई है, यानी कि जो रामचरितमानस की पुस्तक है वो वहाँ पर आपको तुरंत देखने को मिल जाएगी। तो अगर इस तरीके से जाकर आप ब्लॉग से हमारी पुस्तकें डाउनलोड करोगे तो उससे क्या है कि गूगल को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि गूगल पर अगर हम सीधे तरीके से आपको वहाँ पर ले जाते हैं तो गूगल उसके लिए मना करता है। गूगल बोलता है अगर आप इस तरीके से करोगे तो कुछ समय में जो है हम आपका ब्लॉग बंद कर देंगे। तो अगर ब्लॉग बंद हो गया तो आपको पुस्तकें प्रदान करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति को एक एक करके मैं पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवा सकता, क्योंकि आप बहुत सारे सदस्य हैं और सभी सदस्यों को एक साथ वहाँ पर पुस्तक मिल जाती है और वो बहुत ही अच्छी जगह भी है। वहाँ पर मैं आपको और भी कई सारी जानकारियाँ लिखकर उपलब्ध करवाऊँगा और मैंने करवा भी रखी है, जैसे शिवपुराण से संबंधित बहुत सारी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवा रखी है, आप उसे पढ़िएगा और उसमें आपको इतनी सारी जानकारी देखने को मिलेगी, शायद आपको शिवपुराण के बारे में इतनी जानकारी पता भी नहीं होगी, तो आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। और भी बहुत सारी जानकारियाँ मैं वहाँ पर उपलब्ध करवाऊँगा, क्योंकि देखिए कई ऐसे विषय हैं जिनके बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उन विषयों को मैं वहाँ पर लिखकर उपलब्ध करवा दूँगा। तो आप जो है वहाँ पर इस तरीके से जाइएगा और पुस्तक को प्राप्त कीजिएगा, तो इससे क्या है कि गूगल को कोई परेशानी नहीं होगी, वो हमारा ब्लॉग भी बंद नहीं करेगा। और देखिए एक चीज़ जो मैं हमेशा आपसे कहता था कि ब्लॉग पे आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, तो इस बार भी मैं कह रहा हूँ कि अब की बार तो आपको ब्लॉग पर फॉलो करना ही है, क्योंकि देखिए अगर आप वहाँ पर हमें फॉलो कर लोगे तो जैसे ही हम पुस्तक डालेंगे आपको जो है ईमेल आ जाएगी आपके पास और आपको पता चल जाएगा भाई हमने पुस्तक डाल ली है। वैसे हम वीडियो बनाकर तुरंत आपको जानकारी दे देंगे, जैसे हमने रामचरितमानस के बारे में आपको बताया है और जानकारी भी दी है कि भाई वहाँ पर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं,
इसी तरीके से हम तुरंत वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दिया करेंगे, तो आप तुरंत वहाँ जाकर जो इस तरीके से पुस्तक को प्राप्त कर लीजिएगा। अब देखिए, जानता हूँ आपको थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन इतनी सी आपकी सहायता की हमें आवश्यकता है। कृपया करके इतनी सी हमारी सहायता कीजिए जिससे कि ये कार्य बंद ना हो, क्योंकि बहुत ही मेहनत से इस कार्य को हमने आप सभी लोगों के लिए चालू किया है, और हम चाहते हैं भाई और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग नए नए जुड़ रहे हैं और वो इन पुस्तकों को प्राप्त कर रहे हैं, इनसे फ़ायदा प्राप्त कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं भाई इस कार्य को और भी आगे बढ़ा सके, इसके लिए आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप जो है जिस तरीके से मैंने बताया है कि गूगल पे जाके श्री राम परिवार बिना स्पेस दिए लिखना है, और फिर SR पे लिख के आपको सर्च करना है। नीचे जाओगे तो आपको श्री राम परिवार ब्लॉग मिल जाएगा, तुरंत उस पर क्लिक करते ही आप हमारे ब्लॉग पे पहुंच जाओगे। वहां से आप जो है पुस्तकें सीधे डाउनलोड कर सकते हो, और हर पुस्तक के बारे में, हर विषय के बारे में जो है वहां पर मैं विस्तार से जानकारी आपको प्रदान करता हूं, तो आप वहां पर पढ़ सकते हो। और वहां पर आप ज़रूर से ज़रूर हमें फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी भाई हमने पुस्तक उपलब्ध करवा दी है। तो जैसे आप फॉलो कर लोगे, तो जैसे ही हम पुस्तक उपलब्ध करवाएंगे तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए आप वहाँ पर हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये थोड़ी सी मदद चाहिए थी हमें आपसे, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमें इतनी सी सहायता ज़रूर प्रदान करेंगे। आप सभी लोगों का हम तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि भाई आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जब आप श्री राम परिवार ब्लॉग से पुस्तक डाउनलोड करोगे तो आपकी जो पुस्तक होगी उसके पासवर्ड हैं 1111, ठीक है। पासवर्ड मैंने आपको वीडियो में बता दिए, पासवर्ड 1111 हैं पुस्तक के, तो आप पुस्तक वहां से आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और अगर कोई भी परेशानी आए तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, जो भी परेशानी आएगी उसका समाधान मैं आपको ज़रूर उपलब्ध करवा दूंगा। आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और यही आशा करता हूं कि मैंने जो आपसे सहायता मांगी आप ज़रूर हमें सहायता प्रदान करेंगे। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करें।